जेलों में बेहतर व्यवस्था के लिए क्या किया जा रहा है? बेहतर व्यवस्था के लिए जेलों में हमने जेल में एक वीडियो वाल का भी निर्माण किया है, जिससे पूरी प्रदेश की जेलों की मॉनिटरिंग करते हैं और उसके मॉनिटरिंग के माध्यम से जेल मुख्यालय से ही करते हैं। पहले हमें जेलों जेलों में जाना पड़ता था, उसके लिए व्यवस्था एक वीडियो वाल की किया है। हम लोगों ने सुरक्षा के लिए वहाँ पे हम लोगों ने डीप मेटल डिटेक्टर भी दिए हैं, स्कैनर भी दिए हैं, पूरी जेलों में कैमरे भी लगाए हैं और बंदियों के लिए कि उन्हें परेशानी ना हो, और इसके लिए हर बैरक में हमने टीवी भी लगाई है ताकि उन्हें मनोरंजन भी होता रहे। इस तरीके के लगभग सुरक्षा के भी हमने इंतजाम किए हैं और बंदियों को कोई दिक्कत ना पड़े कोरोना काल के, तो हर बैरिक में हमने टीवी का भी लगाने का इंतजाम किया है और सुरक्षा के तो पूरी तरह इंतजाम हो रहे हैं। जहां भी जिस जेल में कोई आवश्यकता होती है उसे पूरा कर रहे हैं। देखिए, खाना बनाने के लिए किचन है, प्रदेश की बहुत सारी जेलों को हमने सेमी मॉडुलर के रूप में किया है, उन्हें खाना बनाने की तमाम जेलों में हमने मशीनें भी दिया है ताकि बंदियों को जो रोटी पकाने में दिक्कत आती थी उसके लिए मशीनें लगाई हैं। तो ऐसे करके जहाँ हम एक और बंदियों को जो उनके जेल मैनुअल के हिसाब से उनका हक है वो भी देने में जो सुविधाएं हैं वो भी देने का काम कर रहे हैं, और अपराधियों को जेल मैनुअल से रहने के लिए उसके लिए जेल में सख्ती भी कर रहे हैं। बंदियों से मुलाकात नहीं हो पा रही है परिजनों को, उसके लिए क्या क्या विचार किया है आप लोगों ने, क्या उसको विचार करेंगे? उस पर बैठक होगी और जैसे ही कोरोना से प्रदेश मुक्त होगा वैसे ही मुलाकात का सिलसिला जारी होगा। तब तक COVID-19 की गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही आगे संभव होगा कि खोला जाए कि ना खोला जाए, लेकिन जब तक उन्हें टेलीफोन के माध्यम से उनके परिवारीजनों से मिलाया जा रहा है, बातचीत कराई जा रही है। जैसे कि यूपी में भारत समाचार और भास्कर पर कार्रवाई हुई है, आईटी विभाग के छापे पड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें, क्या आपका बयान है? नो कमेंट उस पर।